हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं अंजू जांगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने नई फ्रेंचाइजियों के एक्सपीरियंस के साथ में मौजूद हूँ। आज आप देख रहे होंगे बहुत से व्यक्ति जो है हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने दो दिन का ट्रेनिंग सेशन लिया है। आज आप सभी को उनका एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा कि किसी दिन उन्होंने भी, जैसे आज आप देख रहे हैं वीडियो, उसी तरह से यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, उस वीडियो को देख के कंपनी में कॉन्टैक्ट किया और कंपनी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर उन्होंने दो दिन के ट्रेनिंग सेशन का मानस बनाया। और आज जब वो दो दिन की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसा टीम 360 की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग सेशन मिला और यहाँ से जाने के बाद में वो क्या विजन लेके जा रहे हैं अपने प्लेस पे, अपने लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे फ्रेंचाइजीज में से इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर मुकेश जी को और उनसे निवेदन करूंगी कि वो यहां आए और हमारे देख रहे व्यूअर्स के मन में जो डाउट्स है कि यूट्यूब पे क्या सारी चीजें सच होती है, क्योंकि कुछ चीजें गलत भी मिलती है जो कि आपको अपने उद्देश्य से मार्ग से भटका देती है। तो चलिए मुकेश जी से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस उन्हीं के जुबानी। थैंक यू अंजू मैम। मैं टीम 360 से पिछले पूरा मैं आप बताना चाहूँगा, जनवरी 2020 से मैं मोबाइल से कांटेक्ट में था, लेकिन किसी कारणों के चलते, कोरोना और दूसरे कारणों के चलते मैं यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ के मुझे पता लगा डीएमआईटी के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिस प्रकार एक बच्चे को हम 12वीं के बाद, 12th के बाद, हमें माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है कि बच्चे के लिए आगे के क्या हमें स्कोप हैं, बच्चे को कहाँ भेजना है, ये सब चीज़ों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है, यहाँ पे बच्चे के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीकनेस हैं, वो सारी निकल के आती हैं। और उसके बाद और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस प्रकार पुराने ज़माने में हम किसी जगह, नई जगह पर जाते थे, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें किसी एड्रेस के दिए हुए एड्रेस पर जाना पड़ता था। अगर वहाँ पर कोई गलती होती थी तो हमारे को वापस आना पड़ता था। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे आ चुकी है, इसी की वजह से जो डीएमआईटी टेस्ट है, अगर इस तरह का कोई हम जा रहे हैं रास्ते में, तो उस वहाँ पर क्या है, हमारे पास जीपीएस होता है। अगर आज के समय हम जाते हैं तो जीपीएस होता है, जीपीएस की वजह से हम बिल्कुल समय की बचत करते हुए और संसाधनों की बचत करते हुए सही समय पर सही जगह पर पहुँच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें हम एजुकेशन में, तो आज बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डीएमआईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से हम बच्चे को सही समय पर सही राह दिखा सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ DMIT हर किसी बच्चे का होना चाहिए, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, हर बच्चे का अधिकार है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार में भी, शिक्षा में भी बहुत सारे आप ब्रांचेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं और जिनके अंदर है कुछ इनर क्वालिटी है, उस चीज़ इनबॉर्न क्वालिटी है, उनको आगे बाहर लेके आना, ये DMIT टेस्ट की मुख्य विशेषता है। ये मैं ये कहना चाहूँगा, ये टेस्ट बहुत अच्छा है। और बात करूँ मैं टीम 360 की, यहाँ का जो स्टाफ है, वरन सारे स्टाफ एक से एक बढ़िया हैं, सटीक हैं और सही ट्रेनिंग देने में सक्षम हैं, जो कि सही समय पर सही चीज़ों को सही आदमी के सामने पेश करते हैं, जिससे कि ये टीम 360 अच्छे अपना आगे कारोबार कर पा रही है। मैं तहे दिल से इस टीम 360 का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए उन्हीं के साथ में उनकी वाइफ भी मौजूद है, तो उनसे भी आप सभी की मुलाकात कराते हैं, क्योंकि मैम ने भी दो दिन का पूरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैम से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो मैम के शुभ नाम से ही हम कंटिन्यू करेंगे कि मैम हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम है गुड़िया देवी। मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जी आए हैं। मैम यहाँ पर DMIT के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को, देखने को मिला है और हमने दो दिन की ट्रेनिंग ली है, जो कि हमें बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी है। जी मैम से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने नाम के साथ में अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया है कि दो दिन की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त उनकी रही। और मैम से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके उज्जवल भविष्य की हमारी टीम 360 कामना करती है। आप आगे बढ़िए, प्रॉपर आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। आज जिस तरह से जोश जुनून के साथ आपने ट्रेनिंग ली है, उसी तरह से ठंडा नहीं पड़ना है। यहाँ से जाते ही आपको DMIT पे और मिडब्रेन एक्टिवेशन, जो कि
आपके बच्चों में, खुद के बच्चों में रिजल्ट आ चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है 100 गुना बढ़ गया है। जितना आपने वीडियो में देखा था उसे कई गुना आपने आज खुद पाया है। तो आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप इसी जोश जुनून के साथ अपने प्लेस पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात करते हैं मिस्टर प्रणब जी से। और काफी लंबे टाइम से इनकी बातचीत चल रही थी कंपनी में और काफी जो है एक्साइटेड थे ये आने के लिए, लेकिन किसी चैलेंजेस की वजह से नहीं आ पा रहे थे। तो जानते हैं 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इनका कैसा रहा और अब ये क्या विजन अपना लेके यहाँ से जाने वाले हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं 360 डिग्री का करना चाहूँगा और दूसरी तरफ मैं YouTube को भी सबसे पहले उसके बाद धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि YouTube के थ्रू से ही मैं ये 360 डिग्री का कंपनी के बारे में जान पाया और MIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में भी मैं YouTube की तरफ से जान पाया हूँ। और YouTube की तरफ से मैं विनीत सर और विपुल सर वो लोग से बात हुआ है, बात करके करने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि ये कोर्स करने के बाद हम लोग बिछड़े हुए बच्चों को ऊपर उठा सकते हैं, वो लोग को ठीक से ट्रेनिंग दे के, वो लोग को ठीक से पढ़ाई करवा के, डीप मिड ब्रेन एक्टिवेशन और DMIT टेस्ट करवा के, वो लोग को जो जो उसका नॉलेज में ब्रेन में जितना भी कमज़ोर है कमज़ोरी को दूरी कर सकते हैं हम लोग। इसी कोर्स के लिए हम लोग मैंने इधर जयपुर राजस्थान जयपुर में आया और 2 दिन का ट्रेनिंग लिया। ये ट्रेनिंग में मुझे इतना अच्छा लगा, इतना एक्सपीरियंस मिला। विनीत सर और विपुल सर, रवि सर सबसे मिल के वो लोग इतना अच्छा ट्रेनिंग करवाया हम लोग को। और जो बच्चा थोड़ा बिछड़े हुए है, नीचे पढ़ाई कर रहा है, वो लोग को ऊपर उठा के ऊपर टॉप लेवल का स्टूडेंट तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए मैं 360 डिग्री को बहुत शुक्रगुजार हो और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू। हमें अनेक निजे के धन्यवाद जाना जे 360 डिग्री थ्रू थे हमें जे ये कोर्सटा कर मिड ब्रेन एक्टिवेशन DMIT टेस्ट और ESR अनेक किस कर जेने से जे ये कोर्सटा कर जरा जरा पिछिए आसे छात्र छात्री आरो ऊपरे तोला जाए ब्रेनटा एक्टिवेशन कर ওই কোর্সটা যাতে আপনারা সবাই করুন তার জন্য আপনাকে অনেক অনুরোধ জানাই আর ওর জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया। चलिए दोस्तों अब मुलाकात करते हैं टीम 360 के सभी सदस्यों से और जानते हैं कि हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को वो क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी की MD मैम को इन्वाइट करना चाहूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी आएँ और हमारी फ्रेंचाइजी को एक मैसेज दें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जड़ीवाल, MD टीम 360। हमारी आज की सभी फ्रेंचाइजीज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्हें बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। अब ये लोग यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने अपने प्लेसेस पे जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो जाते जाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत से डाउट्स ये लोग यहाँ पर लेकर आए थे और शायद अभी तक इनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान के मन में ये प्रश्न रहता है कि टीम 360 आज इतने सालों से काम कर रही है, टीम 360 के सफलता का क्या राज है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताना चाहूँगी टीम 360 के सफलता का राज कि सबसे पहला तो ये है कि आज आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो या आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, सबसे पहले हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्रीज में आप काम करते हो आपके पास में ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किस उद्देश्य से आप काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। जैसा कि अभी हमारी आज की फ्रेंचाइजी ने अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग ली, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से जाने के बाद आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है, अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपना ब्लूप्रिंट बनाएं, आपको कितनी स्कूल में काम करना है, यहाँ से जाने के बाद कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट पर कैसे कमांड बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, साथ ही में कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराना है। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद में सेकेंड चीज़ आती है एक्शन। एक्शन लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया लेकिन अगर एक्शन नहीं लोगे, कर्म नहीं करोगे, तो शायद सफलता मिलनी मुश्किल है। तीसरी चीज आती है डिटर्मिनेशन।
पहली चीज आपकी हो गई ब्लूप्रिंट, सेकंड आपकी हो गई एक्शन, थर्ड आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि जोश और जुनून के साथ में अपने प्लेस पे जाए और जोश और जुनून के साथ में अपने प्लेस पे जाके अपने इस शुभ काम की शुरुआत करें। साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और एक बार फिर से हमारी आज की फ्रेंचाइजी को उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। अपने प्लेस पे जाके तीनों चीज़ों को फॉलो करें और जो है इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ में इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच में एक अतिथिगण मौजूद है, तो सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं टीम 360 की तरफ से। उनकी शख्सियत के बारे में मैं बता देती हूँ आपको, ये गवर्नमेंट में जो है पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं बृजकांत जोशी जी, तो उनसे मैं निवेदन करूँगी, उनका आभार भी प्रकट करूँगी कि बहुत कृतज्ञ है हम आपके लिए कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि हमारे जो देख रहे व्यूवर्स हैं और हमारी जो आई हुई आज की फ्रेंचाइजी है उन्हें अपना एक छोटा सा मैसेज दें। फैज़ की राह सरबसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। मैं बहुत आभारी हूं माननीय देवेंद्र दत्त जी शर्मा साहब और उनकी टीम 360 का कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और आज ये अवसर दिया कि मैं इन नई फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज दे सकूं। सच बात यह है कि बहुत अच्छे विज़न के साथ डीडी साहब ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और एक विज़न है कि भाई देश आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े और बच्चे में एक छुपा हुआ टैलेंट है। हर बच्चा परमात्मा का एक यूनिक क्रिएशन है। अब उस यूनिक क्रिएशन को पहचान के उसी के अनुसार यदि उसे दिशा दी जाए, उसके लिए उसे उस क्षेत्र में बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिभा का समुचित और श्रेष्ठतम उपयोग कर सके। और यह बात आपके इसमें बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट DMIT टेस्ट एप्टीट्यूड पहचानने का है। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स है, मेरे साथी यहाँ शर्मा जी हैं वो जानते हैं, रोरशे टेक्निक वगैरह हम साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अत्याधुनिक है और बिल्कुल सटीक है। ये जो टेस्ट की तकनीक है ये अत्याधुनिक है, वैज्ञानिक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच भी है और साथ में इसको कैसे करना है यह भी 2 दिन के प्रशिक्षण में आपको बताया जाता है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यहाँ पहले भी इस संस्थान ने सफलता के नए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, ये देश में ही नहीं विदेश में भी, बॉम्बे में भी, नेपाल में भी। तो आज निश्चित रूप से आप सबकी सफलता की हम कामना करते हैं और परमात्मा के प्रति और इस टीम 360 के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं कि निश्चित रूप से ईश्वर आपको इस का पुरस्कार देगा। आगे आप बढ़ेंगे और जीवन में निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य बनाने में भी आप बहुत कामयाब होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब आपकी मुलाकात कराते हैं कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर सपना जी से और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी को वो भी एक अपना मैसेज दें। थैंक यू सो मच अंजू मैम। मैं सपना सैनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। जितनी जोश और जुनून के साथ इन्होंने ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है, उतनी ही जोश और जुनून के साथ अपने प्लेस पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। इसके अलावा सर, हमारी कंपनी की USB है आफ्टर सेल सर्विस, उसका बहुत आप लाभ उठा सकते हैं। और कहीं भी आपको दिक्कत आती है रिपोर्ट जनरेट करने में, काउंसलिंग में कहीं भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे टीम मेंबर से संपर्क कर सकते हैं और उनकी हमारी हेल्प ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच मैम। अब मुलाकात करते हैं कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर सर से और जानते हैं वो हमारी फ्रेंचाइजी को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने मौका दिया कि क्या मैसेज है मेरा फ्रेंचाइजीज़ के लिए। तो सिंपल सा एक फ्रेंचाइजी के लिए मैसेज है जो मेरे को सुनने में आता है। ऐसा मैंने ऐसा महसूस किया है कि कई बार एज ए फ्रेंचाइजी के लिए प्लान करते हैं या फिर इस बिजनेस के लिए जब प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि यार मार्केट में इस चीज़ को लेकर कई प्राइस को कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि यार आपका जो पूरा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो 1,20,000 का है, 1,00,000 का है, लेकिन अदर जगह हमने देखा है, रिसर्च किया है, कई 15,000 में, 5,000 में, 4,500 में, 10,000 में है, सब के अलग अलग प्राइजेस है। लेकिन कंपनी अभी 9 साल से आप देख रहे हैं कि 1,00,000 हमारा फिक्स जो प्राइस है वो चलता आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं एक प्रसंग से, एक स्टोरी से मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा पाब्लो पिकासो, जो कि बहुत ही फेमस पेंटर है, बहुत अच्छे स्केच बनाते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। तो उनको ढूंढते हुए एक महिला उनके पास गई और महिला ने पूछा कि मेरे को एक अपनी स्केच बनानी है, मेरे को अपनी एक पेंटिंग बनानी है, तो प्लीज़ ये आप बना दीजिए। उसने एक रिक्वेस्ट मोड में उससे मांगी, तो उन्होंने एक स्केच बना के उसको दे दी, एक पेन, एक पेंसिल ली और एक पेपर लिया और उस पर स्केच बना के दे दी, मात्र 30 से 40 सेकंड में बना के उनको दे दिया और उनको ये बोल दिया कि ये जो पेंटिंग मैंने, जो स्केच बनाया है, ये 50,00,000 की है। उन्होंने उसकी कीमत भी बता दी कि ये 50,00,000 की है। अब 50,00,000 की उन्होंने कीमत बता दी और वो महिला अलग अलग एग्जीबिशन में गई, अलग अलग जो पेंटिंग के, ड्राइंग के जो एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ जाके इस पेंटिंग को बताया। उन्होंने जो एग्जीबिशन कंडक्ट करवाते हैं उन्होंने बताया कि ये तो स्केच लगभग 50,00,000 की है। तो वो महिला शॉक हो गई, यार 50,00,000, सर ने भी बोला था पाब्लो पिकासो है, उन्होंने भी बताया 50,00,000 और इन्होंने डायरेक्ट जज कर लिया 50,00,000 रुपए कैसे। फिर वो महिला वापस से उनके पास गई, पाब्लो पिकासो के पास गई और पूछा कि आपने ऐसे कैसे बता दिया कि यार 50,00,000 रुपए और इस जो आपने स्केच बनाया मात्र 30 सेकंड में एक पेन और पेपर से बना के बता दिया कि इसकी 50,00,000 कीमत है, 30 सेकंड में बना लिया, तो प्लीज़ मुझे भी ऐसे ट्रिक्स बताओ, प्लीज़ मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मैं भी ऐसी पेंटिंग बना दूँ 30 सेकंड में और इसकी कीमत 50,00,000 हो जाए। तो सिंपल है, पाब्लो पिकासो ने बोला कि ये 30 सेकंड की जो मैंने स्केच बनाई है इसको बनाने में 30 सेकंड नहीं लगे, मेरे को 30 साल लगे हैं। तो वही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि कंपनी को इस मुकाम पे आने में 1 साल 2 साल नहीं 9 साल लगे हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ। और भी कंपनियां हो सकती है और भी इस तरह के आप देख सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल आपको मिल सकते हैं कि पिछले 9 साल से हो, 10 साल से हो, लेकिन आप वहां पे भी एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने उन्होंने स्कूल सेमिनार किए हैं, कितनी धरातल पे कार्रवाई करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, कितने ओपन सेमिनार करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दिया है। ये बहुत सोचने वाली बात है, आप इस चीज़ को और अच्छे से स्टडी करें फिर आगे बढ़ें। दूसरा मैं मैसेज एक पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि जब बात आती है DMIT टेस्ट की, वैसे भी दिवाली आ रही है तो मैं दिवाली पे मेरा मैसेज रहता ही है कि अगर आप देखते हैं कि दिवाली आती है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ अपन या तो घर में परचेज करते हैं, मोबाइल लाते हैं, स्कूटी लाते हैं, कोई ना कोई चीज़ अपन लाने की तैयारी में रहते हैं, लेकिन मैं आपको इस बार सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे का दिवाली पर DMIT टेस्ट जरूर करवाएं। क्योंकि हम मोबाइल को लेकर चिंतित है कि बच्चे को यार मोबाइल देना चाहिए, बच्चा 10th में है, 9th में, क्या हमें ये विचार नहीं होता कि इसका कैरियर काउंसलिंग भी होना चाहिए? क्या इस साइंटिफिक मेथड से हमें पता होना चाहिए कि इस बच्चे को किस कैरियर फील्ड में भेजना है ताकि आने वाले समय में इस बच्चे को दर दर भटकना नहीं पड़े कि यार इसको कौन सा कोर्स करना है, किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। डिजिटल मार्केटिंग आप बता दो, आफ्टर सेल्स आप बता दो। ठीक है, थैंक यू सो मच रवि सर। अब आगे बढ़ते हैं और अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से, मिस्टर विनीत शर्मा सर से, और उनसे मैं निवेदन करूंगी कि बहुत सी चीज़ें आप सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस जान रहे हैं, लेकिन आज इस कोविड के चलते हम इस चीज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। जैसे रवि सर ने कहा DMIT करवाना चाहिए, लेकिन लोग बहुत घबराए हुए हैं, अपने घरों के अंदर बैठे हैं, तो वो अगर ऐसा निर्णय लेने की सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं
हैं तो वो किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं उस पर प्रकाश डालें। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी विनीत सर से कि वो आए और हमारे व्यूवर्स का ये डाउट क्लियर करें। थैंक यू अंजू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे हमारे साथ में जो फ्रेंचाइजी है हमारे साथ में जो टीम में जुड़ चुके हैं और इतनी दूर दराज से आए हैं इन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस बात के लिए धन्यवाद भी दूंगा कि हमारे साथ में टीम में जुड़े और इस कार्य को हमारे साथ में जुड़ के अपने एरिया के बच्चों तक इस कंसेप्ट को पहुँचाएंगे, वहाँ के बच्चों को लाभान्वित करेंगे। और जैसा कि मेरे से पहले जो रवि सर बता रहे थे कि दिवाली पर DMIT कराई जानी चाहिए, तो ये आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ के कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप भी ये सुझाव दे सकते हैं कि इस बार एक्टिवा या फिर जो है आप मोबाइल लेने के बजाय या कोई और इक्विपमेंट खरीदने की जगह हम बच्चों का DMIT करें, तो उससे उनका भविष्य सुनहरा बन सकता है और सुनहरे भविष्य बनेगा तो अपने आप ही एक्टिवा और मोबाइल और दूसरे संसाधन सभी हमारे पास में आ जाएंगे। जैसा कि मेरे को मैसेज देने के लिए कहा गया है, तो मैं पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के विषय में जानकारी दे दूँ कि हम लोगों की जो कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। इवन यहाँ से जाने के बाद जब आप काम चालू करेंगे तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके समक्ष एक चैलेंज आए कि यार अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है और स्कूल नहीं खुले हैं तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। बस उसी पे मैं प्रकाश डालूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर पूरे विश्व में आप क्लासेस करा सकते हैं, चाहे वो DMIT के फिंगरप्रिंट लेने का हो, चाहे मिडबैंड एक्टिवेशन हो या डायनेमिक मेमोरी हो या उसके साथ के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी ऑनलाइन कराए जा सकते हैं। एक आपको भी अनुभव होगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को पूरे देश भर में सुन पा रहे हैं और हम लोग जयपुर राजस्थान में यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा में एक व्यक्ति ने यह आवाज़ सुनी और वो यहाँ पे आए। इसी तरह जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का जरिया यूज़ करके हम इतनी 2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं तो इसकी पकड़ बहुत पूरे विश्व में। तो मैं आपको एक छोटा सा मार्केटिंग का फंडा बता के और आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप पैम्पलेट प्रिंट कराएंगे तो वो भी अभी नहीं हो पाएगा, बैनर कराओगे तो भी उसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। आप अपने सेंटर पे लगा सकते हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लोग ले लेंगे लेकिन आपके मन में भावना आ सकती है कि क्लास करने कौन आएगा। तो हमें ऑनलाइन पे रहना है। अब ऑनलाइन के अंदर एक फीचर है जिसे हम बोलते हैं फेसबुक। फेसबुक से आप सब लोग फैमिलियर हैं, सब परिचित है, सारे लोग हैं, लेकिन कितने फैमिलियर हैं? टैग करना, लाइक करना, कमेंट लिख देना, बस इतना हो गया फेसबुक पे, या कोई पॉलिटिशियन की न्यूज़ सुन लेना बस। लेकिन अगर इसे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कम खर्चे में, इवन आप मान के चलो कि 80 रुपये का खर्चा, 18% GST, टोटल मिला के 97 रुपये के खर्चे में रोजाना के, अगर 5 दिन भी आप ऐड रन करते हो 100 रुपये के ऐड से रोजाना के, 5 दिन भी करते हो तो 500 रुपये खर्च हो रहे हैं लेकिन आप 25,000 लोगों तक पहुँचते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़। और वो 25,000 लोग कौन हैं? जो आपकी इच्छा के हैं, आपके लोकेशन वाले हैं, आपके एज ग्रुप वाले हैं, जो आप चाहते हो कि इसी एज ग्रुप वालों तक जाना चाहिए। यानी पिन पॉइंट मार्केटिंग की जा सकती है जिसके विषय में हम जानकारी देते हैं कि आप किस तरह से YouTube पे, Facebook पे, Google पे, मेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट करना, ये सारी चीज़ें, या WhatsApp से इंक्वायरी करना, या WhatsApp से आप किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे सिखाई जाती है जिसकी सेवाएं आप ले सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है उनको एक हमारे साइड से आपको लिंक दिया जाता है Zoom एप्लीकेशन का, जिसके जरिए आप एक निश्चित टाइम पर रोजाना इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो, ताकि आप घर बैठे डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप का भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और बहुत जिन बच्चों तक इस कंसेप्ट को पहुंचाना है वहां तक पहुंचा सकते हो। मैं आपको और अगर एक आंकड़े की तरफ अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो एक कमाल की चीज है कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लगा के अगर आप गूगल पर देखेंगे तो इन 4 से 5 महीने में पूरे भारत में और भारत से बाहर भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का 7 से 9 करोड़ का आंकड़ा है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यानी कि वो बच्चे बहुत जागरूक है पढ़ाई को लेकर। 2019 के लास्ट में रेलवे के एग्जाम में 1,84,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए तो बच्चे कहीं ना कहीं इस लालयित तो है ही कि इस कोर्स को जब भी कभी खुलेगा लॉकडाउन हम एग्जाम देंगे, हमारी तैयारी तब तक हम करके रखें। उन लोगों के लिए डायनेमिक मेमोरी वाला कोर्स, DMIT वाला कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है जिन्हें हम ऑनलाइन तक उन बच्चों तक पहुँच सकते हैं। और एक बात साफ है कि 7 से 9 करोड़ बच्चे जिनको भूख लगी हुई है इस चीज़ के कोर्स करने की, तो जो व्यक्ति भूखा है वही रोटी की वैल्यू समझता है, उस तक आप पहुँच सकते हैं। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई। अभी मैं आपको एक मेरा मैसेज मेरी साइड से देना चाहूँगा कि अभी मेरे से पहले जो MD मैडम हमारे हैं उन्होंने आपको विज़न और ब्लूप्रिंट की बात बताई और रवि सर ने भी आपको DMIT और एक कहानी से विज़न बताया दूर का, तो मैं भी उन्हीं के साथ में अपनी बात को एक एड ऑन कर रहा हूँ कि
आप, और जैसा कि रवि सर ने कहा कि मार्केट के अंदर वैल्यू, किसी की फ्रेंचाइजी की फ़ीस 1,20,000 है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, उसी विषय में मैं आपका ध्यान इधर इस साइड में लाना चाहूँगा कि आप ये ज़रा देखिए कि कौन सी कंपनी या कौन सी संस्थान का आपको विज़न दिखाई देता है, कहाँ पे आपको इतने सारे लोग खड़े दिखते हैं, कौन सी कंपनी के अंदर टीम मेंबर साथ में खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रोज़, कौन सी कंपनी है। एक सिंगल कंपनी आपको नहीं दिखेगी जो माला तक पहनाती हो या स्वागत की कड़ी में कुछ करती हो या तिलक ही लगाती हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको जो इस विज़न के साथ में है कि मुझे 20,000-25,000 का सॉफ्टवेयर देना है, फिर आगे का व्यक्ति जाने। सॉफ्टवेयर तो एज गुड एज मोबाइल है, दे दिया वो अपना जाने काम, उससे चल रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। विज़न देखना जरूरी है, दो चीज़ होती है, या तो आई साइट होती है या फिर माइंड साइट होती है। आई साइट तो वो है जो आप देख पा रहे हैं, तो दूसरी कंपनियाँ जो दिखा रही है और आँखें जहाँ तक देख सकती है वो देख पा रहे हो, लेकिन माइंड साइट कौन सा हुआ? आप आइज क्लोज करके इंडिया से बाहर घूम सकते हो, आंखें बंद करिए आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, आप यहाँ बैठे बैठे सब घूम सकते हैं, उसे विज़न बोलते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप विज़न अपना क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपको विज़न कहाँ दिखाई दे रहा है? टीम 360 का यूट्यूब चैनल देखो, भरा पड़ा है विज़न से, इतने सारे। ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? स्कूल में, कॉलेज में, कंपटीशन में, कोचिंग सेंटर में। क्या उन तक कंसेप्ट जा रहा है जो दूसरी संस्थाएं वो पहुंचा पा रही है? नहीं, वो कर रहे हैं B2B। आपको दे दिया, तू आगे दे दे, उसको दे दे, चेन बना लो, सॉफ्टवेयर बेच लो, काम खत्म। एटलीस्ट एंड यूजर तक कंसेप्ट पहुंच कहां रहा है? तो ये चीज़ कमाल की होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, जैसे रवि जी ने किया, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब लोगों ने लॉकडाउन के दौरान महाभारत और जो रामायण है वो आई थी, उसको देखा होगा। तो रामायण का मेरे को भी बात करने के दौरान एक स्मरण आ रहा है, एक प्रसंग याद आ रहा है कि आपने लास्ट टाइम में अगर देखा हो तो जब युद्ध चल रहा था और रावण से राम और लक्ष्मण जो है युद्ध कर रहे थे, और उस समय मेघनाथ के समय युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण जी के एक तीर लग गया जिससे कि वो मूर्छित हो गए और गिर गए। तो सभी लोगों में हड़बड़ी मच गई कि अरे क्या हो गया, लक्ष्मण जैसे वीर व्यक्ति के जो है तीर लग गया और वो गिर गए। यहाँ एक सीखने की बात है जिस विषय में मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ, इसलिए तो सब लोगों में खलबली मच गई कि क्या किया जाए, सब परेशान। विभीषण ने बताया कि अब यहाँ तो एक ही वैद्य है जो ये हमें बता सकता है कि इनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अगर सूर्य उदय तक उन्हें दवाई मिली या कुछ भी जड़ी बूटी मिली तब तो वो जीवित हो जाएंगे, अदरवाइज जो है प्राण त्यागने पड़ेंगे। सूरज उदय तक इस तरह का वो शायद नागपास था या ऐसा कुछ तीर था, तो उस वजह से जो है वो गिर गए, मूर्छित हो गए। तो उन्होंने, विभीषण जी ने बताया कि एक वैद्य है यहाँ पे जिसका नाम है सुखेन, लेकिन वो लंका में है और वो हमारे दुश्मन का है, तो उसे हम ला सकते हैं क्या? तो हनुमान जी को यह काम सौंपा गया और वो सुखेन वैद्य को उठा के यहाँ पर लेके आए। उन्होंने पहले तो इस चीज़ के ऊपर ही गुस्सा आया, उन्हें तुम मुझे उठा लाए, वो सब पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको मैसेज समझाना चाहूँगा। उन्हें लेके आया गया, उन्होंने बताया संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ेगी। तो हनुमान जी से पूछा गया आप संजीवनी बूटी लेके आनी पड़ेगी तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कहाँ मिलेगी? हिमालय में। अब कहाँ लंका और कहाँ हिमालय? ऐसा इतिहासकार जो लिखते हैं, लिखने वाले जिन्होंने लिखी है उनका कहना है, जब मैं कल भी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो लिखने वाले हैं उनका ये कहना है कि जब हनुमान जी जिस स्पीड से गए थे संजीवनी बूटी लेने, जिस स्पीड से गए थे, तो वो सिर्फ इतनी स्पीड से गए कि वो गए तो सिर्फ एक लाइन ही दिखी जाती हुई, और वो हवा में उड़ के इतनी तेज़ी से गए, क्योंकि सुबह रात के रात ही आना था, तो सिर्फ एक रेखा सी दिखाई दी और वो जाके लेने गए। तो ये बात पहुंची कहाँ? लंका में। लंका में पहुंची तो रावण को ये बात पता लगी कि ये क्या हुआ, तो लोगों ने कहा अरे वो गया वापस बंदर, और वो जो है लेने के लिए गया जड़ी बूटी, अब लेने के लिए गया संजीवनी बूटी। बोला किसने बताया उसको ये रास्ता? बोले सुखेन वेद ने। बोले अरे अपना ही बंदा अपनी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो उसे बताने के लिए बताया। तो अब क्या करता रावण? वो तांत्रिक विद्या और चारों लोगों का, तीनों लोगों का प्रकांड जबरदस्त जो विद्वान आदमी, उसने अपनी तांत्रिक विद्या से किसको प्रकट कर दिया? कालनेमी, जो आप मार्केट में कंपनियां देख रहे हो जिनका नाम है कालनेमी। वो कालनेमी आया क्यों? क्योंकि कालनेमी ने हनुमान जी का रास्ता रोकना था, तो हनुमान जी को तेजी से जाते हुए देख कालनेमी को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाओ और हनुमान जी का रास्ता रोको, मिसगाइड करो उन्हें। और ऐसा हुआ, आप देखते भी हैं कि वो कालनेमी गया और उसने राम भक्त होने का दावा किया और ऋषि मुनि बन के भगवान राम के गीत गा रहा था ताकि हनुमान जी मिसगाइड हो जाए और उनका टाइम जाया कर दे, समय जाया कर दे, और हनुमान वो जो लक्ष्मण जी हैं वो प्राण त्याग दे। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने मिसगाइड नहीं हुए,
उनका विज़न था, उनकी दूरदृष्टि थी, मेरे को जिम्मेदारी निभानी है, वहाँ पहुँचना है। इसी तरह से जब आपको कालनेमी रूपी संस्थाएँ आती है, मिसगाइड करती है, तो आप मिसगाइड ना हो। वो बोलते हैं ना, एक कुआ है, कुएं के अंदर मेंढक होते हैं। एक आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, दो मेंढक थे कुएं के अंदर, पानी के अंदर कूद रहे थे। एक मेंढक ने दूसरे को कहा, यार क्या एक कुएं के अंदर तैरते हो, चल किसी समंदर में चढ़ते हैं, वहाँ तैरेंगे, कितना बड़ा समंदर होता है, वहाँ पर लंबी लंबी छलांगें लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो दूसरे मेंढक ने कहा, कितनी लंबी छलांग लगाएंगे? तो उस मेंढक ने छलांग लगा के दिखाई, एक छलांग लगा के दिखाई, इतना लंबा? बोला, अरे इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। बोले, यार हमने तो नाम भी नहीं सुना समंदर का कभी, बोले बहुत मज़ा आ जाएगा, अपनी लाइफ एंजॉय हो जाएगी। तो उसने एक छलांग और लगा के दिखाई, बोला इतना, इतनी लंबी छलांग लगा पाऊंगा? बोला नहीं नहीं, इससे भी लंबी छलांग। तो उसने एक छलांग और लगाई और वो कुएं की दूसरी साइड की दीवार से टकरा गया। बोला, अरे इतना ही है, उनका विजन इतना ही है। अगर आप मेंढक को कुएं में से ऊपर देखेगा वो, तो उसको आसमान कितना दिखेगा? जितना कुएं का बड़ा छेद है उतना ही दिखेगा। तो जितनी कंपनी आपको आंखों से दिखा रही है, आप उतना ही विजन देख पा रहे हैं। तो जितना विजन देखेंगे उतना ही कर पाएंगे, तो कुएं के मेंढक हो गए। तो हमारे को आप इस तरह से जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसको मैंने एक आपको प्रसंग से ये मैसेज देना चाहा है। तो आप जो है इस पे बात पर ध्यान लगाएं, उसको सोचें, विचारें, हमारी वेबसाइट और हमारे किए गए 9 साल के कार्य को देखें कि हम फ्रेंचाइजी क्यों देते हैं। दूसरी कंपनी का बिजनेस हो सकता है फ्रेंचाइजी देना, लेकिन हम लोगों का फ्रेंचाइजी देने के पीछे रीज़न है, जो अक्सर विपुल सर बताते हैं, जिस विषय में मैं आपको जानकारी दूँ कि हम तो स्कूल कर रहे हैं ना, अगर अर्निंग करनी है तो स्कूल से हो रही है, लेकिन हम यहाँ बैठे जयपुर में कहाँ पूरे इंडिया के अंदर कवर कर सकेंगे और पूरा इंडिया के बाहर कैसे कवर करेंगे। अब देखो, हम त्रिपुरा में कब बच्चों को जाके सिखाएंगे, कब हम यूपी में जाके सिखाएंगे? अगर इनके जरिए, अगर इनको ये ऑथराइजेशन सेंटर दिया जाए, इनके जरिए वहाँ के बच्चों तक पहुँचा जा सके, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इसलिए इनको फ्रेंचाइजी हमें देना रहता है और ये जरिए हम लोगों ने अपनाया। अदरवाइज हम स्कूल कर रहे हैं और करते रहेंगे। लोग हमसे पूछते हैं, आप स्कूल करते हो ना, करते रहो, फ्रेंचाइजी क्यों देते हो? और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देते हो, डिस्ट्रिक्ट हो गई उसके बाद ख़त्म, फिर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? तो हम तो, जैसा कि डीडी सर का विज़न है कि हम तो इंडिया से बाहर जाके कार्य करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जिम्मेदार लोगों को मास्टर फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो लोग यहाँ पर रहें और पूरे इंडिया को संभालें और हम आगे इस बिज़नेस को बढ़ा सकें। तो यहाँ सबका विज़न आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा विज़न के साथ हम लोग कर रहे हैं। हर साल 25,000 बच्चों को टच करने का रहता है मन, लेकिन इस बार भी था तो कोरोना से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन आप सब लोग, टीम मेंबर और जितनी फ्रेंचाइजीज है, उन सब लोग भी अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, सभी मिलकर साथ में करें। जैसा कि हमारे साथ में अभी मुकेश सर ने भी बताया कि हर बच्चे का अधिकार है और होना चाहिए DMIT, और DD सर का भी यही कहना होता है, हर बच्चे का है, लेकिन हर बच्चे का तो जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम आपके जरिए, इसलिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मोड स्टार्ट कर रखा है। आप सभी लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई फ्रेंचाइजी के साथ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और काफ़ी लोगों के डाउट्स जो थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। अभी इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर को, और उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो जो है ये चीज़ क्लियर करें कि बहुत सी कंपनी सॉफ्टवेयर तो देती है, लेकिन सॉफ्टवेयर देना ही काफ़ी नहीं होता है, सपोर्ट अगर जब तक नहीं मिलता है तब तक व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता, एक गाइडलाइंस उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्या चीज़ है कंपनी के पास, टीम 360 के पास ऐसी क्या USP है कि सभी लोग जो है कंपनी के साथ जुड़े, अर्थात आफ्टर सेल सर्विसेज में हम क्या ले सकते हैं टीम 360 से जुड़ के? तो आइए मुलाकात करते हैं विपुल सर से और जानते हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया दर्शकों से, लोगों से मुखातिब होने का, व्यूअर्स से मुखातिब होने का। सबसे पहले तो त्रिपुरा से आए हमारे प्रणब जी, आपके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी दूर से आप यहाँ आए, यही अपने आप में एक मजबूती की निशानी है कि त्रिपुरा से यहाँ तक आना, वो भी लॉकडाउन का, कोविड का इतना इशू होने के बावजूद आप आ गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे मुकेश जी साहब का, जो पूरे परिवार के साथ आ गए। अकेले आना बहुत आसान है, पर परिवार को, टीम को लेके आने में बहुत चैलेंज होता है, ठीक है? दोनों ही इज़ अ बिग डील, दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों के लिए टीम 360 की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा और यहाँ पर आप जो है फ्रेंचाइजी लेने आए। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें ऐसे घर में पैदा किया कि हमें ये बिज़नेस करने का मौका मिला। दूसरा, हम हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। क्यों? क्योंकि
अगर हमें मौका ही नहीं मिलता, इस तरह का विज़न हमें नहीं मिलता, तो हम भी वो एक जो सिंपल लीक से हटकर हम कुछ नहीं करते, वही ढाक के तीन पाते वैसा ही करियर चलता रहता। उसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए एक पेड़ है, मैं हर बार ये एग्जांपल शेयर करता हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से शेयर करूँगा। मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कंडीशन रख दी जाए कि जो पेड़ पर चढ़ेगा वो विनर है। अगर इस तरह का सिस्टम कर दिया जाए तो पेड़ पे कौन कौन चढ़ सकता है? अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, जो भी पशु पक्षी उनकी बात करें, और उनके आगे हम ये कंडीशन रख दें कि जो पेड़ पे चढ़ेगा वो विनर है, तो विनर कौन कौन हो सकता है? सांप हो जाएगा और गिलहरी हो जाएगी, कौन कौन से, चींटी भी हो जाएगी, ये सारे लोग विनर हो जाएंगे। शेर रह जाएगा, किसी कर्म का नहीं है। हाथी भी रह जाएगा, किसी कर्म का नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिर तो अच्छा ही हुआ ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। थैंक गॉड कि ये जानवरों के बीच में नहीं है, नहीं तो वो बेचारा ना कमज़ोर सा शेर जो है ना कमज़ोर घोषित हो जाता है, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे, जस्ट बिकॉज कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता इसलिए वो कमज़ोर है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हर व्यक्ति का टैलेंट बहुत अलग होता है, ज़रूरत है उसे रिकॉग्नाइज करने की। अगर हम इसीलिए अपना कह रहे हैं, क्यों मैंने अपना जिक्र किया, एक्सपीरियंस क्यों अपने पेरेंट्स के लिए कहा, कि अगर मुझे वो पेड़ क्राइटेरिया दिखा दिया जाता कि विपुल इस पेड़ पे चढ़ना ही सक्सेस है, तो मैं तो फिर मेरा तो कोई क्यों, क्योंकि मुझे कह दिया जाता विपुल जी तुम फाइनेंस के लाइन में जाओ या तुम टेक्निकल लाइन में जाओ, मैं बोलने वाला आदमी हूं, मुझे बोलना पसंद है, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, शुरू से मैं स्टेज परफॉर्म करता रहा हूं, मैंने उस लाइन में काम किया, तो अपने आप को निखार लिया। आज जो विपुल शर्मा है, जिसको अगर स्टेज के ऊपर लाया जाएगा, तो मेरे लिए, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप में समा बांधना है, तालियां बजवाना है, ये सब निखार निखार के, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ है भाई। ये मैं, ये पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया, आज चलो कम से कम इंस्ट्रूमेंट है उससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो मुझे इस लाइन में भेज दिया। इसी विपुल शर्मा को अगर आज आप ये कह दो DMIT रिपोर्ट बना, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत का काम कोई लगेगा, तो मैं DMIT रिपोर्ट नहीं बना सकता। कोई मुझे कहे मैथमेटिकल काम कर, अरे टेक्निकल इशूज़ के अंदर जो भी टेक्निकल पार्ट आते हैं ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है बाबा, उतना ही मैं स्किल नहीं कर सकता। 100% वाला विपुल 30% का होकर रह जाएगा, और मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी सी होकर रह जाएगी। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, देखिए हम तो बहुत अपने आप को लकी मानते हैं, ग्रेटफुल मानते हैं कि ऐसे खानदान में, ऐसे घर में पैदा हो गए कि हमें वो विजन मिल सका। लेकिन अगर कोई बालक किसी कारणवश ऐसी जगह पे कोई बच्चा पैदा हो जाए जहां उसे वो विजन देखने को नहीं मिले, तो ये दोष उस बच्चे का थोड़ी है। इसीलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं कि भैया तुम्हारे विजन की जरूरत ही नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ निकाल के बता सकता है, इसके बेसिस पे करियर बना लो, और फिर वो एक्सट्रीम पे जाएगा। यहां पे फ्रेंचाइजीज आइए, जो दर्शक है मैं उनको भी ये चीज कहना चाहूंगा, नहीं आता रिजल्ट, मैं तो कहता हूं 0% है, कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन DMIT तो हम करते हैं। अगर मैं ये कहता हूं 0% रिजल्ट है, कोई ब्लाइंडफोल्ड भी नहीं होगा, कोई किताब नहीं आएगी, कोई सुधार नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने उस बच्चे का DMIT टेस्ट कर दिया और उसका सही दिशा दे दी, उम्र भर आपके गीत गाएगा कि एक शख्स आया था जिसने मेरे करियर को दिशा दे दी, जिसकी वजह से मैं सक्सेस के सारे क्राइटेरिया, सारी चरम सीमाएं पार कर गया, उम्र भर दुआएं देगा, वो ज्यादा जरूरी है या उसको मिसगाइड करना ज्यादा जरूरी है? इसलिए ये हमारा प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विनीत शर्मा जी आपके सामने खड़े अभी बात कर रहे हैं, ये मेरे तो ब्रदर हैं, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, ये बोलते ही नहीं थे। ये DMIT का ही कमाल है कि एक इंसान को उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाए, उसके बाद में जो वीकनेसेस है उसको दूर करने को उसको टाइम मिल जाएगा। स्ट्रेंथ में विनीत जी ने करियर बना लिया, और जो वीकनेसेस उसको दूर करने के बाद आज आपके सामने देखो धड़ल्ले से ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरियां सुनाते हैं, जो मैं बैठ के सुनता हूं, यार ये बात बढ़िया लाया ना, रामायण वाला फिड़का ठीक लिया यार, ये पिछली बार कुछ और ले आए थे। ये उन्होंने कब किया, जब DMIT जैसे कोई अपने को टाइम देने का मौका मिला कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, इसको सुधार लूंगा ना तो मैं और ऊपर जा सकता हूं। कब होगा, जब आपके पास ऐसा कोई मेजर करने का, देखने का तरीका होगा। इसलिए DMIT टेस्ट, टीम 360 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करियर की ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। अब बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की। मैं हमेशा कहता हूं आफ्टर सेल सर्विस के साथ एक बात और, ये DMIT मिडब्रेन को लेके मिसगाइड मत होइए, गलत इंफॉर्मेशन टीम 360 कभी नहीं देती है। जैसा किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ,
एक्सरे में पता चला फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहता प्लास्टर कराओ, तो प्लास्टर करना या एक्सरे कर लेना डजंट मीन कि हमने उसका कोई भाग्य देख दिया है। टीम 360 भाग्य नहीं देख सकती है, ना ज्योतिष का काम करती है, वो बायोलॉजिकली प्रूवन एक सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ को जज करती है। ना ही हम यहाँ पे कोई गांधारी धृतराष्ट्र बनाते हैं, ना ही हम कोई जादूगर बनाते हैं। जो ब्लाइंड फोल्ड आ रहा है, अगर बच्चा सिर्फ कलर भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है दैट मीन्स उसकी वो ग्रंथि एक्टिवेट हो गई है, वो ग्लैंड उसकी जो है ना ग्रास्पिंग पावर बढ़ने लग गई है। हमारा सिर्फ इतना सब्जेक्ट है, तो वो ब्लाइंड फोल्ड इज जस्ट अ सिम्टम, वो एक सिम्टम है, लक्षण है कि वो ग्लैंड एक्टिवेट हो गई है, उससे ज्यादा उसका और कोई जो है अस्तित्व नहीं है। इसलिए रिजल्ट उसकी पढ़ाई में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में आता है। ये ठीक है, रिजल्ट है, हम इसको भी काउंट करते हैं, बट ये इतना इफेक्टिव हम उसको इतना मानते नहीं है कि ये रिजल्ट है। दुनिया में क्या है, चमत्कार को नमस्कार है इसलिए भी मान लिया तो हमने इसको कह दिया, बाकी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट क्या आता है इज इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखें। आफ्टर सेल सर्विस जैसा मैडम ने कहा वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस में क्या है, देखिए आप यहाँ से जाएंगे, हमने 250 स्कूल किए, अरे 250 स्कूल तो वो है जिसमें सफलता प्राप्त करी है, 500 स्कूल करी थी तो यानी 500 में से 250 में तो असफलता ही हाथ लगी है, तो वो तो हमारे लिए, आप लोगों के लिए तो 500 स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए तो वो सफलता है। उन 500 स्कूल के एक्सपीरियंस के बाद हमें अनुभव हुआ डायरेक्टर से कैसे बात करनी है, प्रिंसिपल से कितनी बात करनी है, बच्चों से क्या बात करनी है, कैसे उसको है ना इंटरेस्टिंग बनाना है प्रोग्राम को, कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, बिजनेस कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, हर चीज़ का हमें अनुभव है। आपको 3 दिन की ट्रेनिंग दी, कोई इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो ये आफ्टर सेल सपोर्ट करता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी स्कूल नहीं करी तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा। आप खुद सोचिए, ये जब हम यहां से भेजते हैं ना तो हमें मालूम है 3 दिन की ट्रेनिंग से सब कुछ सीख लिया आपने, लेकिन वो 10 साल का अनुभव थोड़ी आ गया। और हम चाहते हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, अभी यहां मुकेश जी आए हैं, यहां से त्रिपुरा जी, त्रिपुरा से प्रणव जी आए, अरे भाई हमारी जिम्मेदारी है टीम 360 की आपको ऊंचा उठाने की। आप अगर कहीं अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो हम 6 महीने के लिए हेल्प करने आते हैं। क्यों आते हैं कि हमें मालूम है इनिशियल स्टेज के ऊपर आप शायद उतना इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हो, टाइम लगता है चीजों को डेवलप होने के लिए, पूरे जीवन कभी अभ्यास ही नहीं किया उन चीजों के लिए कि कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए मामला, इसकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कभी प्रयास ही नहीं किया, चल रही है जैसी चल रही है। इसलिए 6 महीने तक टीम 360 आपके लिए सपोर्ट करती है। बदले में हम बस इतना कहते हैं कि भैया जो फीस चार्ज कर रहे हो उसमें से 1000 रुपए हमारी रॉयल्टी दे दो, प्लस हमारे आने जाने रहने की व्यवस्था कर दो। बदले में जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्कूल के डायरेक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया है उसको प्रोग्राम समझाना, उस डायरेक्टर साहब को प्रोग्राम समझाना, स्कूल के ऑनर को, प्रिंसिपल को प्रोग्राम समझाना, वहाँ पेरेंट्स के आगे डेमो करना, बच्चों को यहाँ से ले जाके डेमो कराना, क्लास करना, रिजल्ट निकालना, फीस कलेक्ट करना, फिर रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स को संतुष्टि के लिए वो सर्टिफिकेट देना कि भैया हमने काम कर दिया, ये सारी जिम्मेदारी टीम 360 की है। इनिशियल 6 महीने तक ये काम हम आपके लिए करते हैं, उसका परिणाम है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पीछे खड़े हैं ना बच्चे, जाते हैं ना कई बार लड़ाई हो जाती है तो पापा को पकड़ के ले जाते हैं, बड़े भाई को पकड़ के ले जाते हैं कि अब वो क्या है भैया पीछे खड़े ना मुझे डर नहीं है, तो वो डर आपके अंदर से निकालने के लिए टीम 360 है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर एनके शर्मा सर से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को एक छोटा सा मैसेज दें। थैंक यू अंजू मैडम। सबसे पहले तो मैं टीम 360 के हर मेंबर का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा अपना दमखम दिखा के ये 2 दिन की ट्रेनिंग को काफ़ी सफल बनाया है, और हमारे जो आए हुए फ्रेंचाइजी हैं जो त्रिपुरा से यूपी से आए हुए हैं इन्होंने भी काफ़ी जोश जुनून से ट्रेनिंग ली है। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं खुद मौजूद था और इन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा उसमें रेस्पॉन्स किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने प्लेस पर जाकर ये जिस मकसद से आए उस मकसद को अवश्य पूरा करेंगे, और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत हार्दिक आभार, और इनको जो भी कोई हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, यह मैं मेरी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब आप सभी की मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ कंपनी के पैटर्न मिस्टर डीडी शर्मा सर से, जो कि इस कंपनी की नींव है, जिनके आशीर्वाद से हमारी कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, और आप सभी को उनसे मुलाकात करवाएंगे और आप सभी को उनके आशीर्वचन जो है सुनने का मौका मिलेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि हमारे जो देख रहे व्यूवर्स हैं और हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी है उन्हें एक मैसेज दे सर। मैं डीडी शर्मा
पैटर्न टीम 360। मैं सिर्फ चार बातें कहूँगा जिसमें से सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात है वो ये है कि हमारी जो आईवी फ्रेंचाइजीज है उनका हम एक बार तालियां बजा करके हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरा मेरा संदेश है वो ये है कि यहाँ पर जिस भी टीम मेंबर ने जो भी बात कही है वो मेरी ही कही भी मानी जाए और आप सभी YouTube के दर्शक श्रोता उसको अंगीकार करें, आंतरिकरण करें, इंटरनलाइज करें और इस टीम 360 का लाभ उठाएं। टीम 360 का विजन जो है वो स्किल डेवलपमेंट DMIT मिडब्रेन जो है वो तो करना है ही, इसके अलावा हर भारतीय बच्चे का DMIT हो, हर भारतीय बच्चे का मिडब्रेन एक्टिवेट हो, ये बीड़ा भी टीम 360 ने उठा रखा है और इससे एक बृहदर आंदोलन चला रखा है कि हर भारतीय जो है अमीर बने और उसके लिए हमने डॉक्टर पिल्लई से एक सीख ली है। उन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले करवा चौथ आई थी तो कुछ महिलाएं जो है छत पे खड़ी हुई और चांद को देख रही थी पर दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बादल वगैरह होने से दिखाई नहीं दिया। एक महिला को दिखाई दिया, उसने कहा अरे देखो मेरी उंगली की सीध में देखो वो रहा। और महिलाओं ने उसकी उंगली में सीध में देखा तो उन्हें भी वो चांद दिखाई दे गया। ऐसे डॉक्टर पिल्लई एक बात कहते हैं, अरे मेरी सीध में देखो, जिस भी किसी ने मिडब्रेन एक्टिवेट बचपन में किया 25 साल बाद वो मल्टी मिलियनर बना और ये मैंने आंकड़े इकट्ठे करके ट्रंप को दे रखे हैं कि 17,000 लोगों का मिडब्रेन एक्टिवेशन हुआ तो 17,000 के 17,000 जो है यानी मल्टी मिलियनर बने। तुम मेरी इस दशा से देखो, मेरी उंगली की सीध में देखो कि ये भारत का हर बच्चा मिडब्रेन एक्टिवेशन कर लेगा तो 25 साल बाद में मल्टी मिलियनर बनेगा। इस विजन को ध्यान में रखते हुए आप मिडब्रेन एक्टिवेट करवाइए। और DMIT का क्या स्कोप है, पूरा विश्व आपका बाजार है। और अभी विनीत सर ने जो बताया, अंजू मैम ने बताया, अंजलि मैम ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, विनीत सर, विपुल सर ने बताया, टेक्निकल मैनेजर ने बताया, सपना ने बताया, हमारी पूरी टीम ने आपको एक और संकेत कर रही है कि अब आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करिए। दो ही काम जिंदगी में आप कर लीजिए, किसी बड़े आदमी का साथ ले लीजिए तो आपको क्या है कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो टीम 360 को 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका तो हाथ पकड़िए और इसके संरक्षण में रहिए। और दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग को काम में लीजिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग 1,000 गुना व्यापार को बढ़ाती है। तो जो आप अपनी मेहनत से अगर 10,000 रुपये महीने के कमाते तो उसे आप 1,000 जोड़ लीजिए, अगर आप 50,000 कमाते तो उसको 1,000 का गुना कर दीजिए। और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग आपको मुफ्त में सिखाई जाती है और बाद में भी आपको डिजिटल मार्केटिंग से बार बार आपको लाभान्वित किया जाता रहेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग आपके साथ है, आपके साथ में DMIT का वरदहस्त है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाए। और मैं आगे आने वाली दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ये शुभ त्यौहार आपको अधिक से अधिक समृद्ध बनाने वाला हो। एक बार पुनः फ्रेंचाइजीज को मेरी ओर से धन्यवाद तथा सभी YouTube के दर्शकों को मेरा आह्वान है कि आप DMIT और मिडब्रेन का लाभ उठाएं। और आपको जो है वीडियो जो है इसमें इनके मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे और आप उनसे संपर्क कर सकेंगे। इतना कह करके मैं एक बार पुनः आपको आगाह करते हुए कि अब समय खराब न करिए, जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं और टीम 360 से ये चीज़ें सीखें और अपने विजन को पूरे विश्व में फैलाइए। अब आपका व्यापार छोटे मोटे शहरों में नहीं होकर के पूरे विश्व में हो और उसके लिए हम आपको एक यंत्र दे रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का है। और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने व्यापार को पूरे विश्व में फैला सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच।